स्किन पिगमेंटेशन क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं और इसकी क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे क्लिनिक में। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चिरंजीव छाबड़ा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर अलाइड वेलनेस क्लिनिक्स। आइए आज बात करते हैं स्किन पिगमेंटेशन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। स्किन पिगमेंटेशन क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं और इसकी क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे क्लिनिक में। तो देखें कि स्किन पिगमेंटेशन का मतलब है कि हमारी स्किन में एक पिगमेंट जिसको हम मेलेनिन कहते हैं, वो मेलेनिन पिगमेंट इंक्रीज हो जाता है। उसके इंक्रीज होने से या तो पिगमेंटेड या काले धब्बे हो जाते हैं या एक शीट टाइप पिगमेंटेशन हो जाती है। पिगमेंटेशन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, चेहरे में, बॉडी में, आर्म्स में, लेग्स में, और इसके कई कॉजेज हो सकते हैं, इसके कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है। तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं, उन मेन रीजंस को आज हम समझें। एक रीज़न है पिगमेंटेशन का हार्मोनल। हार्मोनल मतलब कोई हार्मोनल इम्बैलेंस शरीर में हो, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, जैसे PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इन सिचुएशंस में शरीर में पिगमेंटेशन आ जाती है। जैसे ओबेसिटी, भी ओबेसिटी मीन्स मोटापा, हमारा शरीर का वेट एक लेवल से ऊपर पहुंच जाता है, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि गर्दन में पिगमेंटेशन आ जाती है या चेहरे में या बॉडी पार्ट्स में जैसे हिप्स में और थाइस में पिगमेंटेशन आ जाती है। फिर एक और पिगमेंटेशन है जैसे मिलास्मा, छाइयाँ, जिसको हम हिंदी में छाइयाँ बोलते हैं, ये भी हॉर्मोन्स से रिलेटेड होती है। तो हॉर्मोन्स एक बहुत मेजर कॉज है पिगमेंटेशन का। और एक और रीज़न पिगमेंटेशन का है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, मतलब कि अगर किसी बॉडी के पार्ट पे इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पिंपल्स हो जाते हैं, तो जब पिंपल्स सूखते हैं तो इस उस एरिया में पिगमेंटेशन, निशान, मार्क्स या स्कार्स रह जाते हैं। और अगर बार बार एक ही हिस्से में ये एक्ने या पिंपल्स होते हैं तो वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। इन्फ्लेमेशन और जैसे कोई एलर्जी हो गई शरीर में, उस एलर्जी की वजह से इचिंग होती है। जब हम खुजली करते हैं तो हम स्किन को डैमेज करते हैं और स्किन के पिगमेंट्स एज अ रिस्पॉन्स बढ़ जाते हैं और उस पिगमेंटेशन से हमारे को काफ़ी दिक्कत होती है और उसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन कॉज पिगमेंटेशन का है सन एक्सपोजर, मतलब धूप में जाना। अगर आप कड़क धूप में पीक टाइम पे, मतलब 12 से 4 के बीच में जाते हैं, या लंबे समय के लिए धूप में रहते हैं, या लंबे समय के लिए धूप में खेलते हैं, तो स्किन की सेंसिटिविटी धूप की तरफ बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है, एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे स्किन की पिगमेंट बढ़ जाती है और वो पिगमेंटेशन क्रिएट हो जाती है। तो ये हो गई धूप की वजह से स्किन काली होना। पर एक और चीज़ है कि धूप की वजह से हमारी स्किन में धूप की सेंसिटिविटी या एलर्जी भी हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों को सन एलर्जी या सन फोटो सेंसिटिविटी भी है। और ये फोटो सेंसिटिविटी टू द सन, मतलब कि हम सन की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ये पिगमेंटेशन क्रिएट करता है हमारे। स्पेशली ये पिगमेंटेशन हम देखते हैं कि अक्सर बाहों में पिगमेंटेशन आती है, गर्दन का जो एक्सपोज एरिया होता है वहाँ पिगमेंटेशन आती है धूप की वजह से, और चेहरे पे आती है। तो ये धूप हो गया। एक और बहुत कॉमन कॉज पिगमेंटेशन का है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब चोट। चोट आ सकती है एक्चुअली किसी एक्सीडेंट के बाद, या फिर चोट आ सकती है किसी के काटे, जो जानवर के काटे के बाद। इट कुड बी अ डॉग बाइट, कैट बाइट, और इट कुड इवन बी अ मस्कीटो बाइट। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, ये मच्छर ने काटा है और ये निशान पड़ गए हैं और निशान जाते नहीं हैं। फिर उसके बाद ट्रॉमा कैन बी ऑल्सो ड्यू टू बर्न्स, मतलब जले का निशान। अक्सर देखा गया है कि खाना बनाते हुए तेल शरीर पे, स्पेशली लेडीज़ के हैंड्स पे या फोर आर्म्स पे गिरता है, उस सिचुएशन में वहाँ निशान रह जाते हैं। ये तो छोटे छोटे बर्न्स हो गए, पर कई केसेस में बड़े बर्न्स होते हैं और उसमें स्किन में चेंजेस आते हैं और पिगमेंटेशन क्रॉनिक भी हो सकती है। सो देयर इज़ अनदर कॉज ऑफ पिगमेंटेशन विच इज़ मेडिसिंस। दवाइयों से पिगमेंटेशन हो सकती है,
जैसे कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन, मतलब कैंसर की दवाइयाँ, या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं टेट्रासाइक्लिन, जो स्किन की सेंसिटिविटी, मतलब धूप की तरफ स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और पिगमेंटेशन कॉज करते हैं। फिर टीबी की दवाइयाँ, और अक्सर हमारे देश में टीबी बहुत ही कॉमन है और रैम्पेंट है, और टीबी की दवाई खाने से स्किन में एक ब्राउनिश पिगमेंटेशन हो जाती है। पेन किलर्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हम लें तो भी पिगमेंटेशन हो सकती है। तो आए समझें कि पिगमेंटेशन को ट्रीट कैसे किया जाता है, इसकी क्या सलूशन है। जब हमारे पास पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम लेके कोई मरीज़ आता है तो हम सबसे पहले समझते हैं कि उसका कारण ये पिगमेंटेशन क्यों हुई, ये पिगमेंटेशन कब से है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्या वो धूप से है, क्या वो हार्मोनल इम्बैलेंस से है, क्या वो इंजरी से है, क्या वो किसी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन से है। या हम इसका कारण समझने के बाद देखते हैं कि पिगमेंटेशन क्या कोई एलर्जी और इचिंग से रिलेटेड है कि नहीं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसको समझें पिगमेंटेशन का कॉज, और उसके कॉज को हटाएं, और साथ साथ में एक प्रिस्क्रिप्शन दें जिससे, जैसे ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स और कुछ लगाने की चीज़ें दें जिससे पिगमेंटेशन हल्की हो। इसमें कुछ चीज़ें देते हैं जिससे पिगमेंटेशन लाइटनिंग क्रीम्स बोलते हैं, और हम साथ में एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स भी देते हैं जिससे सुपरफिशियल पिगमेंटेड सेल्स झड़ जाती हैं। तो ये तो हुई प्रिस्क्रिप्शन, पर प्रिस्क्रिप्शन से एक लिमिट तक इम्प्रूवमेंट आती है। अगर हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा परसेंटेज आए या जल्दी आए, तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हम अपने क्लिनिक में कर रहे हैं अलाइव वेलनेस में, जो मैं आपको शेयर करूँगी। एक बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसको हम लेज़र्स कहते हैं। पिगमेंटेशन के लिए कई लेज़र्स हैं, जैसे क्यू स्विच एनडीआर लेज़र जो पिगमेंटेशन को लाइट करता है, फिर हो गया एनडीआर लॉन्ग पल्स लेज़र, फिर है अर्बियम फ्रैक्शनल लेज़र, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेज़र। तो ये लेज़र्स हमारी स्किन में या तो पिगमेंट के सेल्स को, मेलानिन को तोड़ते हैं और उसकी मात्रा को कम करते हैं और स्किन लाइटन करते हैं, या स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, मतलब ऊपर की डेड सेल्स को उतारते हैं और स्किन की सुपरफिशियल पिगमेंटेशन लाइट होती है। तो एक चीज़ हो गई लेज़र थेरेपी। फिर इसके अलावा हम केमिकल पील्स करते हैं। तो केमिकल पील्स क्या हैं और ये पिगमेंटेशन को कैसे हेल्प कर सकती हैं? केमिकल पील्स में सॉल्यूशंस होती हैं, ये सॉल्यूशंस स्किन को एक्सफोलिएट, मतलब डेड सेल्स को रिमूव करती हैं। कॉमन केमिकल पील्स जो हम पिगमेंटेशन में यूज़ करते हैं वो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड। ये पील्स हैं जो हम स्किन में एक ब्रश के साथ इस सॉल्यूशन को पेंट किया जाता है। कुछ समय 3 से लेकर 7-8 मिनट तक हम इसको स्किन पर रखते हैं, फिर हम स्किन को या तो धो देते हैं या कुछ देर बाद धोते हैं। इससे क्या होता है कि अगले हफ्ते के अंदर स्किन की डेड सेल्स धीरे 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 गिरती हैं, अक्सर गिरती हुई दिखाई नहीं देती पर ये ड्राइनेस की तरह स्किन से झड़ जाती हैं और एक लाइटर, मोर अपीलिंग, मोर नॉर्मल स्किन आ जाती है। ये हो गई केमिकल पील्स। फिर इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हम माइक्रोडर्माब्रेजन कहते हैं, जिसको हम अपने क्लिनिक में डायमंड पॉलिशिंग का नाम देते हैं, जिससे हम डायमंड के ब्रशेज़ होते हैं और स्किन पे हम इनको रोटेट करते हैं जिससे डेड सेल्स और पिगमेंटेड सेल्स झड़ जाती हैं। कुछ ऐसे फेशियल्स भी हैं जो पिगमेंटेशन के लिए स्पेसिफिकली हल्का करते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल। ये एक इंटरनेशनल फेशियल है, इसमें हम एंजाइमेटिक सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं जिससे पिगमेंटेशन हल्की होती है और डेड सेल्स झड़ती हैं। फिर और फेशियल्स हैं, मेडिकल फेशियल्स, जैसे ऑक्सीजीनियो, फिर है मीरा पील, फिर है डर्मा पेन फेशियल, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है पिगमेंटेशन के लिए। ये भी एक इंटरनेशनल थेरेपी है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फेस पे एक जेल क्रीम लगाते हैं हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड्स की, और साथ में हम एक माइक्रो नीडलिंग करते हैं जिससे छोटी छोटी नीडल्स से स्किन की टैपिंग की जाती है। जब ये क्रीम, जो एक हाइड्रेटिंग क्रीम है, इस टैपिंग नीडल्स के साथ स्किन को टच करती है तो ये क्रीम अब्सॉर्ब होती है, और ये टैपिंग नीडल्स की वजह से स्किन के पिगमेंट्स जो अबनॉर्मली हाई हो गए हैं वो टूटते हैं और स्किन लाइट होती है। फिर इस ट्रीटमेंट में हम एक स्पेशल
बड़ी इवॉल्व पील लगाते हैं फेस पे 3 मिनट के लिए, जिससे अगेन स्किन की लाइटनिंग होती है, और एंड में हम एक बहुत ही आलीशान स्पेशल पैक लगाते हैं जिससे स्किन का कलर बेटर होता है और पिगमेंटेशन लाइट होती है। तो ये खाली आधे घंटे का ट्रीटमेंट है पर बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हमारे क्लिनिक में बहुत ही पॉपुलर है। ये विद इन 2 to 3 सेशंस स्किन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक चली जाती है। इनफैक्ट एक सेशन में ही इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फेशियल्स हैं जैसे डर्मोलॉजिका एंटी पिगमेंटेशन फेशियल, जो स्किन के लिए हम पिगमेंटेशन में अक्सर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ ट्रीटमेंट्स हुए जो हम अपने क्लिनिक्स में अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं। अगर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये आपकी हेल्पफुल है तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं जिनके सवाल अभी भी आपके दिमाग में हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बात करूँ तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।